इधर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए सभी का आभार जताया। पूर्व सीएम ने कहा कि प्रदेश में सभी की जागरूकता के कारण लोकतंत्र का ये महापर्व सफल हुआ, इसके लिए मैं सभी प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ तथा सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। रायपुर से हमारी सहयोगी का अंबिका मिश्रा जुड़ी गई है, उनसे सीधे बातचीत करेंगे। अंबिका, पूर्व सीएम रमन सिंह ने विधानसभा मतदान के बाद क्या कुछ कहा है? देखिए, मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में दोनों चरण के जो मतदान है वो शांतिपूर्ण ढंग से जो है पूरे किए जा चुके हैं। और बात करते हैं मतदान प्रतिशत की, तो पूरे 90 विधानसभा सीटों पर 76.88% मतदान हुए हैं। और बात करें तो शांतिपूर्ण ढंग से मतदान किया गया है। और मतदान होने के बाद में जितने भी प्रत्याशी जिन्होंने चुनाव में अपनी सहभागिता निभाई थी, प्रत्याशियों ने जनता का आभार व्यक्त किया है। और इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रेस वार्ता करके जो जनता है जिन्होंने उन्हें वोट दिया है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने उनका सहयोग किया है, उन्होंने उनका आभार व्यक्त डॉक्टर रमन सिंह ने किया है। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में आगामी 3 दिसंबर को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का भी उन्होंने दावा किया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव परिणाम को लेकर के काफी आश्वस्त होती हुई दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ अपनी जीत को लेकर के काफी जो है वो विश्वास के साथ में वो आगे बढ़ रही है। और मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए आगामी सरकार में भाजपा पर काबिज होने की बात उन्होंने कही है। जी अंबिका, विधानसभा मतदान संपन्न होने के बाद राज्य के पार्टी नेता क्या क्या दावा कर रहे हैं? देखिए, बात करते हैं राज्य के पार्टी नेताओं की, तो जो दोनों ही पार्टियां मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिली है, और दोनों ही पार्टी के कद्दावर नेता जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी जो है महिलाओं को लेकर के जो घोषणा की थी उसके दम पर वो आगे बढ़ने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है किसानों के कर्ज माफी के साथ साथ गृह लक्ष्मी योजना जो उन्होंने अभी जो जिसकी घोषणा उन्होंने की है, जिसमें हर साल जो प्रतिवर्ष 15,000 रुपए देने की बात कही है, इसके दम पर छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार बनाने की बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां, हम भाजपा और कांग्रेस की बात करें तो दोनों ही कद्दावर पार्टी राजनीतिक पार्टियां जो है अपने अपने जीत का दावा कर रही है। लेकिन अब ये देखना होगा कि आने वाले 3 दिसंबर को जनता किसको अपना आशीर्वाद दी है, ये 3 दिसंबर के परिणाम के बाद ही क्लियर हो पाएगा। जी अंबिका, चुनाव अधिकारी और सुरक्षा कर्मी की ओर से ईवीएम की सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जिस प्रकार से मैं बता दूं कि यदि हम राजधानी रायपुर की बात करते हैं तो राजधानी रायपुर में रायपुर जिले में 7 विधानसभा चुनाव सीटों पर जो मतदान हुए थे और सभी विधानसभा सीटों के जो ईवीएम है वो स्ट्रांग रूम में सुरक्षित वहां पर रखे गए हैं। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, वहां पर जवानों की तैनाती की गई है और पूरी कड़ी सुरक्षा इंतजामों के बीच में जो है 3 दिसंबर को यहाँ पर मतदान होना है, मतगणना होनी है वहां पर। और उसी के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिलों में जहां पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं वहां पर ईवीएम वहां पर सुरक्षित रखी गई है, जवानों की वहां पर तैनाती की गई है और 24 घंटे स्ट्रांग रूम पर नजर रखी जा रही है ताकि कोई भी अनहोनी या कोई भी ऐसी बात ना हो पाए जिससे कहीं ना कहीं ये लगे कि चुनाव में पक्षपात हुआ है। तो पूरी सुरक्षा के बीच जो है छत्तीसगढ़ में ईवीएम में जो है अब उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो उसमें कैद हो गई है और आने वाले 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी तब ईवीएम से जिन प्रत्याशियों की जो भाग्य का फैसला होगा वो उसी दिन हो पाएगा। तो कड़ी सुरक्षा प्रदान की गई है मशीनों में। चलिए अंबिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर विशेष जानकारी देने के लिए।